दोस्तों आज फिर से बैक टू बैक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए गेमिंग न्यूज का एक और नया एपिसोड। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस वीडियो की डिमांड आप कर रहे थे रावण की, वो वीडियो कल ही हमारे चैनल पर टेलीकास्ट हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक अच्छी न्यूज से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज अमेजोन पर डील ऑफ द डे चल रहा है टेकन 7 गेम पर, जिसमें पहले से ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा था और अब उन्होंने 500 रुपीज और ऑफ कर दिया उस गेम पर। यानी कि अब वो जो फिजिकल डिस्क है आपको अराउंड 1000 रुपीज की पड़ेगी। अगर आप होम डिलीवरी कराना चाहते हैं तो आप जाकर उसका एग्जैक्ट प्राइस चेक कर लीजिए। उसी के साथ अदर गेम्स पर भी डील चल रही है, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर चेकआउट जरूर करना। सेकंड न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेंटा मोनिक के एक ट्वीट के बारे में, और उसके अंदर उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जो गॉड ऑफ वॉर गेम है जो 2018 में रिलीज हुई थी, अगर आप उसे PS5 पर प्ले करेंगे, जो कि हमें पता है कि PS5 पर इजीली प्ले हो जाएगी और आपको PS Plus पे फ्री भी मिलने वाली है, लेकिन उन्होंने यहां पर बता दिया कि 4K रेजोल्यूशन में आपको 60 FPS का फ्रेम रेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी गेम्स जो है 30 FPS पर लॉक है, लेकिन यहां पर आप उस गेम को 60 FPS पर इजीली रन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने इसकी भी कंफर्मेशन दी है कि अगर आपके पास PS4 में ऑलरेडी गॉड ऑफ वॉर है और आपने उसकी सेव फाइल को प्रोग्रेस किया है तो आप डायरेक्टली PS5 में न्यू गेम प्लस का मजा ले सकते हैं और उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से गेम डाउनलोड भी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने यहां पर एक पिक्चर शेयर करते हुए हमें समझाया है कि किस तरह से आप PS4 का सारा डेटा अपने PS5 में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी के साथ पबजी की भी ऑफिशियल टीम ने यहां पर कंफर्म कर दिया है कि दोनों ही नेक्स्ट जन कंसोल पर पबजी गेम को आप 4K 60 FPS पर रन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सबॉक्स सीरीज एस परचेस करते हैं तो उसमें आपको 2K 30 FPS का ही गेम प्ले देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल रात कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर का एक और न्यू ट्रेलर सामने आ गया है जिसकी ड्यूरेशन है 1 मिनट, और ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि स्टोरी ट्रेलर है। अगर आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा कि इस बार आपको जो कैंपेन मोड है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मुझे तो काफी इंप्रेसिव लगा ये ट्रेलर, और अच्छी बात ये लगी कि गेम प्ले इस बार पहले से भी ज्यादा एडवांस और धांसू होने वाला है। तो यानी कि मतलब 13 नवंबर को जब ये गेम रिलीज होगी तो हमें बहुत कुछ एक्शन करने को मिलेगा। तो 12 नवंबर की रात को 12 बजे बिल्कुल तैयार रहना, मैं इसी चैनल पर उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम करूंगा। फोर्थ न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि नेक्स्ट जन कंसोल को इस बात के लिए बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा था कि उसमें आपको बिल्कुल भी लोडिंग टाइम देखने को नहीं मिलेगा। सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही टाइम टू टाइम हमें बहुत सारे डेमो दिखाते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें सिर्फ हार्डवेयर का ही खेल नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट ने ये क्लेम किया है कि डेवलपर्स ने एक ऐसा तरीका निकाला है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर वो किसी भी गेम का लोडिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। और उसका एक एग्जांपल देते हुए उन्होंने यहाँ पर द लास्ट ऑफ अस रिमास्टर का गेम प्ले दिखाया है जो कि PS4 पर ही प्ले हो रहा है, कि PS4 पर पहले द लास्ट ऑफ अस रिमास्टर्ड में कितना टाइम लगता था लोडिंग स्क्रीन में, और अब बिल्कुल भी टाइम आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप PS5 पर खेल रहे हो। तो PS5 पर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन PS4 पर भी अब बहुत ज्यादा टाइम रिड्यूस हो गया है। तो आपने भी अगर कोई ऐसी गेम एक्सपीरियंस की हो अभी हाल फिलहाल में जिसे अपडेट किया हो, जैसे एंटिल डोन के बारे में बताया गया, स्पाइडर मैन के बारे में बताया गया, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं बताने वाला हूं PS5 की एक गेम जो कि नेक्स्ट मंथ ही रिलीज हो रही थी PS5 के लॉन्च के साथ, लेकिन अब उस गेम को 3 महीने के लिए डिले कर दिया गया है। गेम का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार्स। आपको पता है कि ये गेम की जो थीम है वो भी रॉकेट लीग की तरह है, जिसे आपको मल्टीप्लेयर खेलने में बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन अब डेवलपर्स को लग रहा है कि यार अगर एक ही साथ हम बहुत सारी गेम्स को लॉन्च कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे टाइटल इग्नोरेंस में चले जाएं और लोग उन्हें ना खेलें और बाद में उनकी मतलब बिल्कुल ही हाइप खत्म हो जाए। तो इसलिए इसे गेम को 3 महीने डिले कर दिया गया है। और सोनी की तरफ से उड़ती खबर यह भी है कि हो सकता है कि फेब 2021 में इस गेम को आपको खेलने के लिए कोई पैसा भी पे ना करना पड़े, मतलब आपको यह गेम PS Plus में रॉकेट लीग की तरह ही फ्री मिल जाए। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सबॉक्स की गेम पास में कौन कौन सी नई गेम्स ऐड की गई हैं, तो यहाँ पर आप पूरी पिक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर मुझे ज्यादा तो कोई खास टाइटल नहीं लगा, लेकिन दो गेम के लिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। एक तो है पबजी जो कि पहले भी शायद गेम पास में आ चुकी थी या ऑलरेडी थी, मुझे नहीं पता इस बारे में, और दूसरी गेम का नाम है आर्क। तो ये गेम छोड़कर तो बाकी मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी गेम खेलने वाली है। बाकी अगर आपकी इनमें से कोई फेवरेट गेम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं बात करूंगा स्टोरी अनटोल्ड गेम के बारे में, जो कि एक एडवेंचर पजल हॉरर गेम है।
और इस गेम को पीसी एंड मैक पर फेब 2017 में ही रिलीज किया जा चुका था, बट अब ये गेम कंसोल पर भी रिलीज हो रही है और गेम की रिलीज डेट है 27 अक्टूबर। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज ही के दिन ये गेम रिलीज हो चुकी है अगर आप इसे खेलना चाहें परचेज करके। वैसे मैंने तो इस गेम को कभी पीसी पर भी नहीं खेला, लेकिन अगर गेम के नाम को हिंदी में कन्वर्ट करके देखें तो पता चलता है कि इसका नाम है अनसुलझी कहानी, जिसे खेलने के लिए आपको मुझे लगता है काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स के एक और न्यू गेम प्ले ट्रेलर के बारे में। ये अभी तक ऑफिशियली चैनल पर रिलीज नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन इसका जो गेम प्ले है ये बहुत ही धांसू है। मतलब इस गेम प्ले को देखते हुए आपको खुद ही लग रहा होगा कि इस बार का जो गेम प्ले है, जो एक्शन है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जैसे कि हमें लग रहा था कि यार ये कोई ट्रिपल ए टाइटल नहीं है, उतना बड़ा शायद नहीं होगा जितनी स्पाइडरमैन थी, बट मुझे लगता है कि जितना भी इसका गेम प्ले होगा, चाहे वो कितने ही घंटे का हो, वो हमें कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि गेम का एक एक सीन एपिक होगा। और पर्सनली यार मुझे खुद बहुत मजा आएगा 11 नवंबर की रात को 12 बजे इसकी लाइव स्ट्रीम करने में। अगर PS5 12 नवंबर को लॉन्च हो जाता तो मैं डेफिनेटली PS5 पर ही इसकी लाइव स्ट्रीम करता। नेक्स्ट न्यूज पर दोस्तों मैं बात करूंगा Xbox Series X के फ्रीज के बारे में। जी हाँ, मैं कंसोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे फ्रीज की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आप अपना दूध, दही, बोतल पानी की ठंडी करते हैं या कोई भी आइसक्रीम रखते हैं, मक्खन रखते हैं, तो बिल्कुल वही रेफ्रिजरेटर की मैं बात कर रहा हूं। और आप यहां पर पूरा देख भी सकते हैं कि एक यूट्यूब चैनल है आई जस्टिन के नाम से, जिन्होंने 2 दिन पहले ही ये रेफ्रिजरेटर की अनबॉक्सिंग की है, और ये देखने में बिल्कुल मतलब बड़ा फ्रिज लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोटोटाइप या डमी है, लेकिन ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि इस फ्रिज को इन्होंने अपने पैसों से तैयार कराया है या माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें स्पॉन्सर किया है। बाकी अगर इंडिया में कभी मुझे ये रेफ्रिजरेटर दिखाई दिया कभी किसी शोरूम या शॉप पर, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा इसे परचेस करने की। और लास्ट सेकंड पॉइंट पर दोस्तों मैं बात करूंगा फौजी के न्यू ट्रेलर के बारे में, जिसमें मुझे पता है कि सभी लोग रिलीज डेट जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो इस ट्रेलर के बारे में ज्यादा बात तो मैं नहीं करूंगा डीपली, लेकिन यहां पर मैं कुछ चीजों के बारे में जरूर बताऊंगा जिससे मैं कुछ थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हूं। एक तो इस गेम के ग्राफिक्स मुझे बहुत ज्यादा वीक लगे और इसी वजह से इस गेम को थोड़ा सा हेट भी मिल रहा है, और दूसरा रीजन ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि इस गेम को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, उनके डेवलपर से, पब्लिशर से मैंने बात की है, और उनसे जो मैंने पूछा है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने उनसे क्या सवाल किया है, और मैंने अक्षय कुमार को भी टैग किया है। तो मुझे पता है कि अक्षय कुमार की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उनके इतने मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लेकिन बात जहां तक मैं करूं इनके डेवलपर टीम की और ये विशाल गोंडाल जो पर्सन है इनकी, तो इनके तो इतने फॉलोवर्स नहीं है, तो शायद इन्होंने मेरा ट्वीट देख लिया होगा, लेकिन फिर भी रिप्लाई ना करने का जो रीज़न है वो यही है कि शायद जो आपको गेम का फाइनल रेंडर भी मिलेगा तो उसमें भी ज़्यादा ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी देखने को, और हिंदी लैंग्वेज का भी सबटाइटल वगैरह का शायद इन्होंने कोई प्लान नहीं किया होगा। बाकी इसी के साथ मैं आप लोगों को 2 बातें और बता देता हूँ फौजी गेम से रिलेटेड, कि एक तो जब से फौजी गेम की अनाउंसमेंट हुई थी तब से बहुत सारी फेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अपलोड हो गई हैं फौजी गेम के नाम से, तो इसकी विशाल गोंडाल जी ने खुद कंप्लेंट की है गूगल से और उसकी टीम से, यहाँ पर आप उसके कुछ स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं फौजी गेम की रिलीज डेट की, तो ये गेम जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने दशहरे पर ट्रेलर इसका रिलीज किया है और यहाँ पर वो बता रहे हैं नवंबर 2020 में ये गेम आ जाएगी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि शायद वो दिवाली पे इस गेम को रिलीज कर दें, क्योंकि इससे अच्छी डेट नवंबर में कोई हो नहीं सकती। दशहरे पर ट्रेलर आ रहा है और दिवाली पर गेम रिलीज हो रही है, तो एक इमोशनल एंगल भी हो जाता है थोड़ा सा लोगों में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये गेम दिवाली पर रिलीज होगी या नहीं। नेक्स्ट न्यूज बताने से पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेम चेंज है, तो उसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो वीडियो है गेमिंग न्यूज की मुझे कल अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ नई न्यूज आने की वजह से मुझे उसे थोड़ा सा डिले करना पड़ा, और कल आपको पता है कि PS5 की अनबॉक्सिंग पर भी रिएक्शन देना था, तो आज मैं कुछ नई न्यूज इसमें ऐड कर रहा हूँ जो कि अभी आप मेरे मुंह से सुनेंगे। और इसी के साथ मैं PS5 के प्री ऑर्डर की भी बात करूंगा कि अब PS5 का प्री ऑर्डर का क्या सीन है, जबकि उसकी सारी अनबॉक्सिंग वगैरह आ ही चुकी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि Assassin's Creed जो गेम है अब नेटफ्लिक्स पर उसकी वेब सीरीज भी आने वाली है। तो बहुत पहले आप लोगों को पता ही होगा कि 2-3 साल पहले उसकी मूवी भी आई थी, वो तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया था उस फिल्म ने, और मैंने भी उसे थिएटर पर देखी थी, तो मुझे तो मूवी बहुत ही ज़्यादा बकवास लगी थी, बहुत ही बोरिंग फिल्म थी। पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या था उस फिल्म को देखने के बाद, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ मेरे तो सर में दर्द हो गया था। लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर उसकी वेब सीरीज आ रही है, तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि हमें लगता है कि नेटफ्लिक्स काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाता
जाता है और यहाँ पर उस वेब सीरीज से भी काफी सारी उम्मीदें रखी जा सकती हैं। तो अभी उसकी रिलीज डेट वगैरह की कोई प्लानिंग नहीं है कि वो कब तक आएगी, लेकिन फिर भी माना यही जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक आपको ये वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि साइबरपंक 2077 गेम को डिले कर दिया गया है। अब ये गेम आप लोगों को 17 नवंबर को खेलने को नहीं मिलेगी और रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गेम ऑलरेडी पॉलिश हो चुकी है, मतलब पूरी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेजर रीजन है वो यही है कि नवंबर में इतनी सारी गेम रिलीज हो रही हैं जिसका मतलब आप लोग आइडिया लगा नहीं सकते। आप चाहोगे भी, अगर आप मतलब सारी गेम को परचेस कर भी लेते हो तो तब भी सारी की सारी गेम्स आप खेल नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से साइबरपंक के डेवलपर्स ने सोचा कि यार इस गेम को दिसंबर में ही लॉन्च करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और गेम की रिलीज डेट है 10 दिसंबर। तो इससे अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जिन लोगों को लग रहा था कि साइबरपंक गेम को गेम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, तो अब वो फिलहाल तो चांसेस खत्म हो गए। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं PS5 के प्री ऑर्डर को लेकर। तो PS5 का जो प्री ऑर्डर का स्टेटस है वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में बताया, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल है अनबॉक्सिंग का, तो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं फॉरेन की मैं बात कर रहा हूं, उन सभी ने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। और इंडिया में अभी तक कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है, मतलब इंक्लूडेड टेक्निकल गुरुजी जिन्हें सारे मोबाइल पहले मिल जाते हैं, टैक की सारी चीज़ें मिल जाती हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो अभी तक उनके पास भी PS5 रिसीव नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो भी शायद 12 नवंबर के बाद ही इसकी अनबॉक्सिंग कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि यार इंडिया में पहला कौन सा यूट्यूबर होता है जो PS5 की अनबॉक्सिंग कर पाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी गुड न्यूज़ दे दूं कि PS5 का जो ट्रेडमार्क का इशू है वो अब रिजोल्व हो चुका है। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको PS5 प्री ऑर्डर के लिए दिखाई दे जाए ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर, और साथ ही जो शॉपकीपर है वो भी अब उसका प्री ऑर्डर लेना शुरू कर दे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि PS5 इज रेडी फॉर प्री ऑर्डर एंड सेल। आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर आपसे मुलाकात होगी 12 बजे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।